वेलकम टू अच्छे दिन। सरगुन कौर लूथरा छोटे पर्दे की मोस्ट इन डिमांड एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनके हर रोल को लेकर एक्साइटमेंट बनी रहती है। अपने आइकॉनिक कैरेक्टर्स के अलावा रियल लाइफ में भी सरगुन ने स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जो उन्हें कई एक्टर से अलग बनाता है। इस वीडियो में हम आपको सरगुन की लाइफ और करियर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, दिल्ली से बिलोंग करने वाली सरगुन एक ट्रेंड एक्ट्रेस एवं मॉडल है। टीनेज से ही एक्ट्रेस बनने का ड्रीम रखने वाली म्यूजिक व ट्रेवलिंग की शौकीन सरगुन की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर मॉडलिंग व एक्टिंग में रुचि होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को मॉडलिंग में ट्रेन किया, इसलिए टीनेज से ही एक्टिंग सरगुन का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 22 वर्षीय सरगुन का जन्म 1 जनवरी 1999 को दिल्ली के एक सिख फैमिली में हुआ, जिनके फादर एक बिजनेसमैन जबकि मदर सरबजीत कौर व ब्रदर हरमन की इकलौती सिस्टर। सरगुन बचपन से ही म्यूजिक, डांस व फिटनेस जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, अपने होम टाउन दिल्ली से स्कूलिंग व ड्रीम के चलते कॉलेज से ड्रॉप आउट के बाद सरगुन को 2016 में फेमिना मिस इंडिया के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग में करियर स्टार्ट कर कई बड़े ब्रांड के साथ मॉडलिंग असाइनमेंट और कमर्शियल एड करने के बाद लाइमलाइट में आई, जो उनकी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 4, सरगुन ने अपना टेलीविजन डेब्यू सीरियल काल भैरव रहस्य से किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पॉपुलैरिटी गेन कर लाइमलाइट में आई, मगर स्टार भारत के सीरियल मायावी मेलंगी में रानी प्रणाली का रोल करने के बाद से ही सरगुन की पॉपुलैरिटी सभी जानते हैं कहां से कहां पहुंच गई। सरगुन को सीरियल तंत्र में आप सबने नियति खन्ना के कैरेक्टर में उन्हें लीड रोल एक्टिंग करते हुए देखा, इस सीरियल के बाद से ही सरगुन का करियर राइज पर है। नंबर 5, सरगुन को सीरियल ये है चाहते से हग पॉपुलैरिटी मिली, जहां वह डॉक्टर परीसा के कैरेक्टर में नजर आई। ये चाहते एक बहुत ही शानदार सीरियल है और सरगुन की अबरार काजी के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सीरियल में अबरार के साथ उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा सरगुन एक फ्यूचर स्टार एक्ट्रेस हैं, और बहुत से फैंस आज भी उन्हें डॉक्टर प्रीसा के कैरेक्टर से जानते हैं। सरगुन ये है चाहते में डॉक्टर प्रीसा के कैरेक्टर में कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 6, सरगुन को हिंदी म्यूजिक वीडियो अच्छी लगती हो वह कलश में देखने के बाद से सभी जानते हैं उनकी पॉपुलैरिटी ओवरनाइट मिलियंस में पहुंच गई, जिनके म्यूजिक वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग लगे। नंबर 7, सरगुन को वेब सीरीज कासगंज में आप सब ने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा, जहां उनका रोमांस देखने के बाद से ही उनकी टीआरपी राइज पर है। नंबर 8, टेलीविजन इंडस्ट्रीज में करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सरगुन को तेलुगु डेब्यू फिल्म अश्वथामा में बेहद पसंद किया गया, जहां उनकी एक्टिंग को फैंस के साथ साथ आलोचकों द्वारा भी पसंद किया गया। नंबर 9, टेलीविजन इंडस्ट्रीज में रूमर्स है कि सरगुन ये है चाहते कि एक्टर अबरार काजी को डेट कर रही है, और ये रिलेशनशिप सरगुन और अबरार ने पब्लिकली डिस्क्लोज तो नहीं की, मगर दोनों को आउटडोर इवेंट्स और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साथ साथ देखा जाता है। दोनों हमेशा एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, मगर वास्तविकता तो सरगुन ही जाने उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। नंबर 10, सरगुन एक कंप्लीट फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेस है। अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए वह डेली जिम में हार्ड वर्क करती है एवं डांस व योगा उनका रूटीन लाइफ शेड्यूल है। प्रोटीन बेस्ड फूड को प्रायोरिटी देने वाली सरगुन के अनुसार हेल्थी डाइट से एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है, जिससे उन्हें स्लिम ट्रिम बने रहने में बेनिफिट मिलता है। परिणाम स्वरूप लाखों फैंस उनके फिटनेस के दीवाने हैं। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको सरगुन का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।